नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। और मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव है मार्केट के अंदर। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल शांत था इंडेक्स के तौर पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज स्पेसिफिक काफी ज्यादा था। लेकिन अब इंडेक्स में भी गतिविधियां बढ़ी हैं और ये हो सकता है अगले आधे एक घंटे के अंदर आपको कुछ और मजबूती या फिर गिरावट मार्केट के अंदर आती हुई दिखे, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स जिसके बाद बाजार चला है या फिर आगे भी नोटिस कर सकता है जिनको, वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को शुरू कर देंगे। आखिरी घंटे में तेज उतार चढ़ाव और हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने 20 अंकों का एकदम से सडन जंप निफ्टी पर आते हुए देखा, ये और भी मजबूती आ सकती है। मेटल FMCG सेक्टर में हल्का दबाव है, ये इकलौते दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमको थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स आज बढ़त में या फिर कहीं ना कहीं अपने कल के लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। GST से जुड़े हुए शेयर्स के अंदर आज भी अच्छी तेजी है। आज थोड़ा सा स्टांस शिफ्ट हुआ है, आज लॉजिस्टिक की बजाय लेदर गुड्स के अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर 61% का और अब तक बैंक निफ्टी पर करीब करीब 60% का रोल ओवर हो चुका है, जो कि अच्छा रोल ओवर आज की सीरीज के लिए समझा जाएगा और अगली सीरीज के लिए भी अच्छा बेस है। कल से करीब 15 शेयर F&O में शामिल हो जाएंगे, तो ये भी इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अंदर मजबूती आती हुई देखिए, पर्टिकुलरली सुजलॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। आप फटाफट से डेरिवेटिव्स के कुछ एक आंकड़े भी देख लेते हैं कि रोल ओवर के आंकड़े इस समय क्या कह रहे थे और साथ ही पोल जो हमने आज सुबह से कर रहे हैं आपको, तो इनफैक्ट 3 दिन से कर रहे हैं, वो उस समय क्या कह रहा है। पोल ये कहता है कि 9140 के आसपास निफ्टी हो सकती है, प्लस माइनस 10-15 पॉइंट का आप जोड़ सकते हैं। ज्यादातर पोल्स के जो हमने ब्रोकर्स हैं उनसे यही पूछा था और मेजोरिटी चंक वहीं से आया, 40 और 25 का। अगली स्लाइड में आपको देखेगा वो जो 40 और 25% का है, इसी के अंदर आप देखेंगे डेरिवेटिव एक्सपायरी है। पिछले 3 दिन से लगातार हम कैरी कर रहे हैं और अभी तक इसने रेंज को ब्रेक नहीं किया है। कुछ एक और शेयर्स के भी हम चर्चा करेंगे। राजेश सतपुते इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले एक बार निफ्टी का आउटलुक ले लेते हैं और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट पे आज क्या कहें, अभी जिनकी उन्होंने सौदे अभी तक सेटल नहीं किए, लास्ट मोमेंट का स्विंग देखना चाहते हैं, एक बार निफ्टी 9180 तक जा सकती है, 20 पॉइंट और मिल जाएंगे। अगर मिल जाते हैं तो सौदों को रोल कर जाएं या फिर प्रॉफिट बुक कर जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए डिम्पी, अगर आप ओवरऑल आप निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखो, स्लाइटली पोजिशनल में यहाँ पे पहले बात करूँगा। 9020 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इट्स अ राइजिंग चैनल, यानी 9000 का स्तर अगर टूटता है तो ये जो मार्केट में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, एक सबड्यूड काइंड ऑफ ए मार्केट जो देख रहे हैं, वो बेरिश टोन में बदल जाएगा और इन दैट केस एक शार्प सेल ऑफ आ सकता है। और मार्केट में जो ज़्यादातर जो 52 वीक हाई पे कंफर्टेबली ट्रेड होने वाले जो स्टॉक्स है उसमें भारी गिरावट आ सकती है, तो ये पोजिशनल व्यू है। एज फार एज एक्सपायरी इज कंसर्न, आज के लिए मुझे नहीं लगता ये मार्केट 9150 के नीचे जाएगा। 9165 पे करंट मार्केट प्राइस है, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 9150 के ऊपर से प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि 20-25 पॉइंट लास्ट में एक बार के लिए खींचेगा, क्योंकि आप ओवरऑल अब देखो तो PSU बैंकिंग भी अच्छे से पकड़ के बैठे है, कैपिटल गुड्स पकड़ के बैठे, फार्मा बॉटम पे है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लार्ज कैप से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है लास्ट के एक घंटे में, तो डेफिनेटली 20-25 पॉइंट आठ जो है ऐड हो जाएगा। जी, एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को और साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स को, क्योंकि एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ही जो आउटलुक है अगली सीरीज के लिए बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, वो ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश ही हैं इस पूरे स्पेस पर। इनफैक्ट अभी अगर हम देखें तो 105 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक 21,500 के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है, महज 6 अंक नीचे है। और ज्यादातर सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, PNB, इनमें अच्छा खासा मूव है। निपुण मेहता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्लू ओशन एडवाइजर से, उनसे बातचीत करते हैं। निपुण, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये बैंकिंग स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने इस पूरी सीरीज में देखी है और जो आउटलुक है नेक्स्ट सीरीज के लिए भी वो काफी ब्राइट है। क्या ये सपोर्ट बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से आगे भी आता रहेगा अगले 1-2 महीने में स्पेशली देखें तो? बैंकिंग स्टॉक्स में एक फर्क जो हुआ है और इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ये है कि शायद बैंकिंग इंडस्ट्री में आगे जाके एक कंसोलिडेशन होगा। इसी होप की वजह से एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या फिर कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंसोलिडेशन हो और इसकी वजह से इनमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाए, इसी की वजह से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन था कि कुछ मेजर अनाउंसमेंट आएगी, इस वजह से भी हम एक ट्रैक्शन देख रहे हैं। आई थिंक जो एक
एनपीएस को टैकल करने का कोई भी सोल्यूशन जो एक ठोस कदम अगर निकल आता है तो पीएसयू बैंक्स के लिए हम एक बहुत बड़ा पॉजिटिव समझेंगे। अगर नहीं निकलता है तो आई थिंक अभी भी कुछ हद तक पीएसयू बैंक्स में ड्रैग रहेगा एंड यू माइट नॉट सी दिस मोमेंटम गेटिंग कैरीड फॉरवर्ड। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शायद इस तरह का मोमेंटम आगे जाके भी कैरीड फॉरवर्ड रहे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस की एक कंसोलिडेशन इस बिजनेस में ओवर द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स टू ईयर पक्का जरूरी होना है और इस वजह से बैलेंस शीट्स एटलीस्ट कुछ बैंक्स के जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, आज एविएशन कंपनीज में भी एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई, रीजनल स्कीम को लेकर काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई। इसमें 128 रूट्स के लिए 5 एयरलाइंस को चुन लिया गया, एक सडन स्पाइक हमने देखा उन एयरलाइंस पे जो कि इसके लिए टेंटेटिव विनर रहे हैं। हालांकि इंडिगो इसमें शामिल नहीं है लेकिन फिर भी स्पाइस जेट के अंदर हमने एक अच्छा मूव आते हुए देखा। इंडिगो ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है, ये कल एफएंडओ के अंदर शामिल होने वाला है। एक बार राजेश, इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों के चार्ट देखिए, दोनों में से कौन सा ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है? कल एक एफएंडओ में शामिल होने वाला है, एक ने रीजनल कनेक्टिविटीज़ के कुछ रूट्स जीत लिए हैं जिसमें स्पाइस जेट। देखिए दोनों कंफर्टेबल है लेकिन सिर्फ स्पाइस जेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पाइस जेट रफली 57-58 का लो था, आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ से एक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पाइस जेट स्लाइटली ओवरबॉट है, ओवर स्ट्रेच है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड, लेकिन करंट मार्केट पर थोड़ा सा मुझे ओवरबॉट लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिगो की बात करें तो इंडिगो में रनिंग करेक्शन भी मिल रहा है और रनिंग करेक्शन रफली हमने देखा पिछले दो दिन में रफली 1000 का जो लेवल है टेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि अगर दो में से किसी एक को चुनना है तो इंडिगो लुक्स बेटर टू मी एज फार एज इवन वीकली चार्ट इज कंसर्न। इसका जो प्राइस पैटर्न है बेहद अच्छा है, इट्स अ क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन और इसका जो मोमेंटम मुझे लगता है रफली 1100-1110 तक जाना चाहिए। जी, इनफैक्ट निपुण, ये एविएशन पर आपका व्यू क्या है? ये जो खरीदारी दिखी है इस पूरे स्पेस में वो काफी स्ट्रॉन्ग रही और सब प्लेयर्स में हमने बाइंग आती हुई देखी है, ये फ्लेवर बना रहेगा क्या एविएशन में आगे भी? वेल, एविएशन में क्लियर टर्न अराउंड तो जरूर हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखें, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर लोड फैक्टर देखें, लोअर कॉस्ट्स देखें, हायर प्राइसिंग पावर देखें, तो पॉजिटिव जरूर हुआ है। आगे जाके भी जिस तरह से ये सब फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव रह रहे हैं और आगे जाके भी क्वाइट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे, इसकी वजह से एविएशन स्पेस पे पॉजिटिव रहना जरूरी है। आई थिंक ये जो रीजनल सेक्टर्स का जो पॉइंट है जो जिसपे कुछ समय से बात चल रही थी और आज इसका स्पेसिफिक जो भी अनाउंसमेंट आया है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी फर्दर पॉजिटिव जो भी एयरलाइन जिसमें ऑपरेट करती हैं, फॉर वट एवर डिस्काउंट्स दैट हैव बीन और वट एवर स्टॉप्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दीज रीजनल फॉर दीज एयरलाइंस एंड पर्टिकुलरली इसमें किस तरह से प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग पावर होता है, ये प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। निपुण, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि एक ना जीएसटी की आज एक मेजर डेवलपमेंट हुई थी, उसके लिए सेंचुरी अप्लाई के मैनेजमेंट हमारे साथ है सज्जन भजन का, एक बार पहले उनसे बात कर लेते हैं। सज्जन जी शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। सेंचुरी प्लाई पूरी तरह से तैयार है? नमस्कार जी, अच्छा, सेंचुरी प्लाई पूरी तरह से तैयार है? जीएसटी अब सरकार कह रही है कि 1 तारीख से आ जाएगा। हम जितने भी एनालिस्ट से, ब्रोकर से और कॉरपोरेट से बातचीत कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा इम्प्लीफिकेशन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कि सरकार ये भी सॉर्ट आउट कर लेगी, आपको अच्छी तरह से समझा देगी कैसे आप बेनिफिशियरी होने वाले हैं, कौन से कागज आपको भरने हैं, कौन से टैक्स आपके माफ हो जाएंगे? देखिए, ये सरकार की बहुत ज्यादा तैयारी है लेकिन कितनी भी ज्यादा तैयारी हो, अगर कितनी भी तैयारी हो तो कुछ तो कठिनाइयां आएंगी, कुछ डिस्कनेक्ट होगा, तो इसमें उसको सरकार सुधार का भी टाइम देगी, करेक्शन का टाइम देगी, तो उसको स्टेबलाइज होते होते कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे सर्विस टैक्स जब आया था तो साल भर तक ये स्ट्रगल चली थी, उसी तरह 2-3 महीने कम से कम ये स्ट्रगल चलेगी। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उसके बाद में उनकी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, तो ये जो चीज है। लेकिन पूरे 160 देशों में संसार में जीएसटी आई है और वहाँ सफल हुई है और बहुत एक आध ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ जीएसटी आके उसको वापस लेना पड़ा, नहीं तो अधिकांश जगह जीएसटी आने के बाद में चली है। और चूंकि हमारे क्षेत्र में तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर टैक्स ज्यादा है और जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है,
तो कोई भी हो, प्लाइड हो या और कोई चीज हो या ग्लास हो, तो ऐसे किसी के अंदर भी जीएसटी से उनको फायदा होगा इस क्षेत्र को। जी, इनफैक्ट मिस्टर बजनका, ये मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, प्लाईवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत अनऑर्गेनाइज प्लेयर है और प्राइस डिफरेंशिएशन भी काफी एटलीस्ट 15-20% का होता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा जीएसटी इम्प्लीकेशंस के बाद, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर आपका कितना है और कितना मार्केट शेयर इम्प्रूव आपका हो सकता है? देखिए, अभी जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर 30% ऑर्गेनाइज्ड है, 70% अनऑर्गेनाइज्ड है, और इस 30% ऑर्गेनाइज के अंदर हमारा तकरीबन समझ लीजिए 30% के अंदर 25% शेयर हमारा है। ठीक है, तो टोटल प्लाईवुड इंडस्ट्री ये पूरे उद्योग का हमारा करीब 7.5% शेयर है। लेकिन मैं इसमें एक दूसरा पहलू टच करता हूँ कि ये जो मतलब कईयों का मानना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इससे बहुत हानि होगी या उनको बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र वो जो टैक्स बचाते हैं या कम देते हैं या एक्साइज का बेसिक एग्जम्पशन लेते हैं वो अपने पास रखते नहीं है, उनके अंदर भी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि वो सारे लाभ को आगे पास ऑन कर देते हैं, तो उसके कारण न तो वो कंप्लाइड रहते हैं और चूंकि अनऑर्गेनाइज रहते हैं, क्लैंडेस्टाइन रिमूवल होती है, तो बैंक की लोन वगैरह भी नहीं ले पाते, उनके बैलेंस भी नहीं बन पाती, तो अब जो आने वाले समय में उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ऑर्गेनाइज को हमको फायदा ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। आज 20-25% का जो उनको अतिरिक्त लाभ होता था दाम के अंदर वो सस्ते हो जाते थे, तो वो अब नहीं रहेगा, अब खाली फर्क होगा क्वालिटी के चलते या ब्रांड के चलते। भजन जी, भजनका जी, शुक्रिया समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि हाँ ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपको खैर बेनिफिट तो मिलेगा, और हम आपको भी बधाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, जीएसटी हो रहा है तो आपके लिए भी एक अच्छा टैक्स रिफॉर्म्स है, और उम्मीद भी करते हैं कि सिस्टम सारा ठीक होगा तो कुछ माल सस्ता भी हो जाएगा। सेंचुरी प्लाई इस समय 6 रुपये की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निपुण, अभी आप एविएशन कंपनीज के बारे में बता रहे थे, एक तो इसके बारे में अपनी आप बात पूरी कीजिए, अच्छा दूसरा एक ना ये जीएसटी को लेकर आपको लगता है कि ये कुछ एक जो वैसी पॉकेट्स हैं जो लॉजिस्टिक के अलावा हैं, जैसे कि अब सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट अभी बता रही थी कि इनको फ़ायदा बहुत मिलेगा, आज लेदर गुड्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इनका भी रीस्ट्रक्चरिंग की पॉसिबिलिटी है इनके पर्टिकुलर सेक्टर्स में भी? Well, like I was saying on the aviation sector, I think positives जो भी हैं ये built-in हैं। Aviation space में खास करके regional sectors में जो passenger factor, passenger load है वो एक definitely positive रहेगा। जितने stocks जो government ने दिए हैं ये positive है airline space के लिए, लेकिन pricing power किस तरह से रहता है ये देखना जरूरी है, किस तरह के बेनिफिट्स जो भी companies को मिले हैं वो pass on होते हैं या फिर higher pricing power की वजह से margins एनहेंसमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ये देखना जरूरी है, बट एविएशन स्पेस के लिए ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं। ऑन जीएसटी बेनिफिट्स, आई थिंक ये जो दो या तीन सेक्टर्स आपने कहे उनमें तो वेरी क्लियरली एक शिफ्ट फ्रॉम लोअर क्वालिटी टू बेटर क्वालिटी, एंड उसकी वजह से कुछ हद तक प्राइसिंग पावर हम समझते हैं कि जरूर आएगा, बट एट द सेम टाइम ये सब सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉबेबली ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर ब्रांडेड गुड्स, इस वजह से शायद कंसोलिडेशन जरूर होगा। हमने ऑलवेज प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड टू एन एक्सटेंट, इफ दैट शिफ्ट हैपन्स विदाउट एन एक्सटेंडेड प्राइसिंग दैट हैपन्स, तो उसकी वजह से ये शिफ्ट जीएसटी में और कंसोलिडेशन जरूर हम आगे जाके देखेंगे।